बदहाल सड़क की मेहरबानी। ट्रैक्टर से कार्यक्रम में पहुंची विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे। बालाघाट जिले में मानसून ने दस्तक दे दी। बारिश के फुहारों के साथ ही बालाघाट मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाकों के पहुंच मार्ग और सड़कों की पोल भी खुलनी शुरू हो गई है, जिससे राहगीर और आमजन भारी परेशानी झेलते हैं। और यही परेशानी मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे को भी झेलनी पड़ी। आलम यह रहा कि बेहद ही खस्ताहाल कच्चा सड़क होने के कारण उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे को अपने काफिले के वाहन को छोड़कर ट्रैक्टर में हिचकोले खाते हुए कार्यक्रम स्थल में पहुंचना पड़ा। बारिश की बौछार से गिली हुई यह कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क ग्राम हट्टा से सिहोरा मार्ग की है और इसी मार्ग पर स्थित नर्सरी में कृषि और उद्यानिकी विभाग के द्वारा कृषक प्रशिक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना था। लेकिन समस्या तब हो गई जब हिना कावरे के काफिले और टीम के लोगों ने इस जर्जर और कच्चे मार्ग पर वाहन के जाने पर मनाही कर दी। कार्यक्रम में पहुंचना जरूरी था, सो हिना कावरे को ट्रैक्टर में अपने कार्यकर्ता और टीम के साथ कार्यक्रम स्थल पर मजबूरी में पहुँचना पड़ा। कीचड़ से सने इस उबड़ खाबड़ रास्ते में हिचकोले खाते हुए 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर की सवारी शायद हिना कावरे का अपना अलग अनुभव हो। साथ ही इस समस्या से उनके संज्ञान में भली भांति सड़क और ग्रामीणों की समस्या भी आ गई हो। जिस कच्चे और जर्जर मार्ग से विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे को अपनी जान को खतरे में डालकर कार्यक्रम में पहुंचना पड़ा, दरअसल वह ग्रामीण अंचल की वो बदहाल सड़क है जिससे सिहोरा सदर सहित कई गांव के ग्रामीणों और छात्रों को मजबूरी में बारिश के दिनों में जान दांव पर लगाकर आवागमन करना पड़ता है। अभी बारिश प्रारंभ हुई है। जिले में कई ऐसी जर्जर मार्ग और सड़कें हैं जो जोरदार बारिश के बाद लोगों की जान पर बन जाती है। देखना है इस समस्या से दो चार होने के बाद सरकार की विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे का लोगों के लिए काल साबित होने वाली ऐसी कई सड़कों से निजात दिलाने के लिए नजरिया और क्या कार्यप्रणाली रहती है। कर्मचारियों को जो डेली यहाँ पर आते हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस रोड की हालत, जिस रोड से अभी हम आए हैं उसकी हालत इतनी दयनीय, उसके बावजूद भी यदि इस नर्सरी में आप लोग लगातार काम कर रहे हैं तो वाकई में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी यहाँ पर आप लोगों को सुनाई दी, सब लोगों ने किसी ने कमी बताया, किसी ने अच्छाई बताया, सारी बातें हैं। मैं केवल इतना जानती हूं कि जब मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखिराम कावरे जी की हत्या हुई थी उसके बाद मेरी माता जी ने चुनाव लड़ा, क्षेत्र यही था किरनापुर, और मैं तो उस समय छोटी थी, बहुत छोटी थी, लेकिन हमेशा जब भी मंच पर जाने का अवसर मिलता था तो एक ही बात कहती थी कि हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य ही अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना है, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। और आज भी, आज जब मैं यहाँ आई तो मुझे वही सारा समय, वही सब कुछ याद आ गया, क्योंकि मेरे पिता की कर्म भूमि यही रही है। आज भले राजनीति में मैं विधानसभा की उपाध्यक्ष बन गई हूँ, कावरे परिवार का नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में सब लोग सम्मान से लेते हैं, लेकिन हमारा आधार किरनापुर विधानसभा क्षेत्र ही है। आज मुझे ये अवसर मिला है कि आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों की जो भावनाएं हैं उसको मैं सुनूं, समझूं और कैसे उसको पूरा करना है इसके लिए रास्ता निकालूं। मैं हमारे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से एक ही बात कहना चाहती हूं कि यहां आने का उद्देश्य निश्चित रूप से आप लोगों की समस्याओं को जानना, रोड पुल पुलिया ये तो हमारी आवश्यकताएं हैं और इनको हमको पूरा करना ही है, लेकिन जिस उद्देश्य से सरकार ने नर्सरियों की स्थापना की है वो उद्देश्य कैसे पूरा हो ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रही।